Y is equal to log of x to the base a, and we are going to find the derivative of log of x to the base a using first principle rule. Right? First principle rule means by definition. Right? You see, rule ko hum abhi initial rule bhi get hain, okay? Okay. So, by definition of derivative of a function, we know that derivative dy over dx is equal to limit delta x approaches to zero f of x plus delta x minus f of x divided by delta x. This is the definition of derivative of a function, right? सो so, जो गिवन फंक्शन है हमारे पास वो है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए राइट सो अगर आप एक्स को रिप्लेस करें एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे सो so ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स की बजाय आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स और बेस क्या है लॉग का वो ए है ठीक है ओके सब्सिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज इन टू द डिफीनिशन ऑफ ट्रेवेट्यू ऑफ अ फंक्शन दैट इज डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो डेलेक्स यानी डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं वन डिवाइड बाई डेल एक्स इन टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेलेक्स ये बराबर है लॉग ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स टू द बेस ए माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर है लॉग एक्स टू द बेस ए लॉग एक्स टू द बेस ए आ जाएगा इज इट क्लियर ओके फर्दर यहाँ पे हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ठीक है डिफरेंस टू डिवीजन वाला प्रॉपर्टी वो ये है कि जी लॉग एम टू द बेस ए माइनस लॉग एन टू द बेस ए ये बराबर होगा सिंगल लॉग में लॉग एम डिवाइडेड बाय एन टू ए बेस ए आ जाएगा ठीक है तो कंसिडर करें कि ये जो एक्स प्लस डेल एक्स है दिस इज ओवर एम एंड ये जो एक्स है ये आपका एन है ठीक है लॉग m देन डिफरेंस देन लॉग एन तो इनको हम सिंगल लॉग में और m डिवाइड बाई एन फॉर्म में लिख सकेंगे बाई दिस रूल राइट सो ये बन जाएगा यहाँ से dy वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो वन डिवाइड बाय डेल्टा एक्स एंड देन सिंगल लॉग ऑफ एम डिवाइड बाय एन एम आपका क्या है एक्स प्लस डेल एक्स है सो एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइड बाय एन आपका एक्स है ठीक है और लॉक का जो बेस है वो आपका ए है इज इट राइट ओके सो इसको सिम्प्लीफाई करते हैं जी सो so, ये बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो वन डिवाइडेड बाय डेल एक्स इन लॉग ऑफ हम इसको सिंप्लीफाई करें ये जो आर्गमेंट है यानी एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइड बाई एक्स तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइड बाई एक्स तो एक्स विल कैंसल आउट विद एक्स तो ये बनेगा वन प्लस डेल एक्स डिवाइड बाई एक्स आ जाएगा तो इस क्वांटिटी की जगह आप लिख सकते हो वन प्लस डेल एक्स डिवाइड बाई एक्स आ जाएगा और लॉक का जो बेस है वो ए है फर्दर हम यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं ठीक है so सो ये बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो वन डिवाइडेड बाई एक्स एक्स मैंने डिवाइड कर ली और इसी तरह एक्स में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स यानी एक्स मैंने डिवाइड किया और एक्स मल्टीप्लाई किया और ये डेल एक्स अपनी जगह पे ठीक है इन टू लॉग ऑफ वन प्लस डेल एक्स डिवाइड बाई एक्स टू द बेस ए आ जाएगा राइट right? ना अब यहाँ पे देखें तो वन डिवाइड बाय एक्स जो है ये फ्री ऑफ एक्स है तो इसको आप लिमिट से बाहर निकाल दें सो so, ये बनेगा वन डिवाइड बाय एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो और अब ये जो एक्स डिवाइड बाई एक्स है जो कि लॉग के साथ प्रोडक्ट में आ रहा है तो यहाँ पे लॉग की एक प्रॉपर्टी हम लगाएंगे ठीक है और वो प्रॉपर्टी आपके पास है जी एन लॉग एम टू तो द बेस ए इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ एम टू तो द पावर एन एन जो लॉग की बेस है वो ए है आपके पास ठीक है यानी एन जो है वो लॉग के साथ प्रोडक्ट में था तो ये इस लॉग का जो आर्गुमेंट एम है इसका पावर बन जाएगा ठीक है सो ये आ जाएगा आपके पास लॉग न प्लस डेल एक्स डिवाइड बाई एक्स टू दावर ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स और लॉक की जो बेस है वो क्या है ए है ठीक है ओके सो okay, फर्दर so, देखिएगा यहाँ से आ जाएगा वन डिवाइड बाई एक्स अब इस लिमिट को लाक के अंदर आप अप्प्लाई कर सकते हैं ठीक है लॉग टू बेस ए लिमिट लगेगा आपके पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो वन प्लस डेल एक्स डिवाइड बाई एक्स डेल एक्स डिवाइड बाय एक्स टू पावर ऑफ एक्स बाय डेल एक्स. ओके अब यहाँ पे एक रिज़ल्ट हम यूज़ करेंगे लिमिट का और वो रिजल्ट है हमारे पास कि जी लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो वन प्लस एक्स टू पावर ऑफ वन डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू ई ठीक है यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो x है इसका जो आ, वन प्लस एक्स है इसका जो पावर है वो वन ओवर x है और x जो है वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये जो पावर होगा ये फिर इन्फिनी की तरफ अप्रोच करेगा यानी वन x गोज़ टू तो जीरो देन वन ओवर x गोज़ टू तो इन्फिनी राइट और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो टर्म होगा पावर में उसी का रिसिप्रोकल होगा ठीक है तो इस रिज़ल्ट को आप आप अपने इस लिमिट के साथ कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास क्या है डेल एक्स गोज़ टू ज़ीरो है ठीक है तो जब डे, डेल एक्स जो होगा वो ज़ीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स ये भी जीरो की तरफ अप्रोच करेगा बिकॉज डेल एक्स जो है वो ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है ठीक है ओके तो so, अब इसी का रिसिप्रोकल आप ले लें तो इसका रिसिप्रोकल क्या होगा x डिवाइड बाई डेल एक्स है तो आप देखें तो x डिवाइड बाई डेल एक्स वन प्लस डेल एक्स होगा एक्स का पावर भी बन रहा है तो x डिवाइड बाई डेल एक्स जो होगा ये इन्फिनी की तरफ अप्रोच करेगा बिकॉज डी नोमिनेटर जो है वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है ठीक है ना ओके सो बाई दिस रिजल्ट ये जो लिमिट होगी आपके पास ये लिमिट आपके पास ई के बराबर होगी सो so, यहाँ से आ जाएगा वन डिवाइड बाई एक्स लॉग ऑफ अब ये जो लिमिट है इसकी वैल्यू क्या आ रही है लिमिटिंग वैल्यू वो ई e आ रही है और लॉग की जो बेस है वो ए आ गई सो हिंस ड्रावेटिव ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ए इज इक्वल टू वन ओवर एक्स लॉग टू देश ए सो दिस इज द ड्राइवेटिव ऑफ लॉग एक्स टू देश ए ठीक है ओके इससे पहले हमने एक रिजल्ट हमने प्रूव किया था जो कि नेचुरल लॉग के बारे में था ठीक है ना तो ड्राइवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आप जानते हैं कि जी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स जो होता है उसका जो बेस होता है वो ई e होता है ठीक है ना तो इसका ड्राइवेटिव हमने प्रूफ किया था कि वो वन ओवर एक्स के बराबर आता है ठीक है क्योंकि ये जो क्वांटिटी है लॉग ई टू द बेस ए ये वहाँ पे भी है लेकिन वहाँ पे ये क्वांटिटी वन के बराबर होती है बिकॉज लॉग ई टू द बेस ई है तो यहाँ से वन आ जाता है तो दैट्स वाई ये सिंपल वन ओवर एक्स के बराबर है और जो अदर देन बेस ई वाले जो आपके पास लॉग हैं तो उनका फिर ड्राइवेटिव वन ओवर एक्स लॉग ई टू द बेस ए होगा ठीक है